प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत में ग्रीवेंस की बैठक में आज शामिल हुए और वहीं उन्होंने 14 शिकायतों पर सुनवाई भी की। 11 शिकायतों पर मौके पर निपटारा भी उनके द्वारा किया गया और वहीं 3 शिकायतें पेंडिंग रखी गई। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी डफली अपना राग है और विपक्ष से अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी बोले कि बीजेपी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और दूसरे के दम पर चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी ने 2014 से लेकर 2019 में अपने दम पर सरकार बनाई है और अभी तक दावा करते हुए ये उन्होंने कहा है कि 2024 में भी वो अपने दम पर सरकार बनाएगी। प्रत्येक पार्टी अपने संगठन की ताकत पर ही चुनाव लड़ती है। आज सरकार में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन जब चुनाव होंगे तो अपने संगठन पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ करने को लेकर कहा गया है और संगठन और चुनाव आयोग तय करेगा। और 11 का हल निकाला है जी। टोटल 14 शिकायत थी, कोई इरिगेशन से थी, कोई बिजली बोर्ड से थी, कोई आपसे ज़मीन की, कोई कब्जे की, सीधे एमसीएफ से थी, इस तरह की शिकायत थी। और जो लोगों ने कही तो मेरे से आने से पहले ही 4-5 तो पहले ही लोग आपस में समझौता कर चुके थे। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ दोबारा जो पिछले ग्रीवेंस है ऐसी कोई शिकायत नहीं थी और ना पिछली वाली कोई शिकायत हमारी ग्रीवेंस में आई। जिम्मेदारी तय करें, अगर जिम्मेदारी के साथ अधिकारी तय करेंगे, आज हरियाणा 3.25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन और आम व्यक्ति सरकार अधिकारी की तरफ आंख लगा के देखता है कि हमारी समस्या का लोग समाधान करेंगे, अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे। उनका भरोसा विश्वास लोगों में कायम रहना चाहिए कि जब कोई बात कही जाए उसको पूरा करने का काम से कांग्रेस से गुटबाजी से बीजेपी को लेना, वो 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कांग्रेस के तो अपने ढपली अपना राग है और विपक्ष का काम अपना काम है, वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करेगी। मंत्री जी, पटवारी 3 तारीख से हड़ताल पे गए हुए हैं, आज परेशान हो रही है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, इंतकाल रुके पड़े, परेशानी तो आती है। पर क्या है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकालेंगे। पटवारियों की जो हड़ताल है इसका रास्ता सीएम साहब, मनचाही कभी नहीं होती। हर आदमी अपनी मनचाही कर ले कि मैं धरने दे के करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। पटवारियों को बुलाना, पटवारी को सरकार ने पहले बुलाया है, पहले बात हुई और दूसरी बार हड़ताल पर फिर बैठे, दूसरी बार बैठे। और पटवारियों को भरोसा रखनी है सरकार, भरोसा और रेवेन्यू से जुड़े हुए संबंधित मामले सब पटवारियों के बीच होते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में, सारी नगरी सज रही है भगवान राम के नाम से। कहते हैं तो जन्म पे एक 14 वर्ष के बाद एक 22 पे, इतनी अयोध्या नगरी सजरी है और पूरा देश मंदिर। अब नहीं जाए तो इनका कोई इलाज तो है नहीं। अगर नहीं जाए, आपने कहा सोनिया गांधी नहीं जा रही, तो हम पे तो कोई इलाज है, जा रहे ये भी राजनीतिक रेशन पर जाएंगे जरूर। इसके बाद जब सब कुछ लुट जाएगा ना, सब कुछ लुट जाएगा। जब इन्हें भगवान के चरणों में सब कुछ लुट गया, माफ कर रोडवेज की 14 के 22 के बाद हम हरियाणा से फरवरी में जिस जिले से डिमांड होगी उस जिले से डिमांड हम अयोध्या के लिए बस भेजेंगे, वॉल्वो भेजेंगे और बस की ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे। ऑनलाइन के साथ साथ पूरे हरियाणा में जैसे जैसे जिला वाइज डिमांड होगी, फरवरी 22 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है, 22 तक कोई जाने से था, जैसे फरवरी के बाद आम व्यक्ति के लिए खुलेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।